गुड इवनिंग। टुडे इज 20 दिसंबर 2016 एंड नाउ वी डिस्कस्ड द करंट अफेयर्स टुडे। सो वी नाउ स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय सुबीर कुमार डाकुआ। ओके सो क्या गवर्नमेंट लॉन्च किया है टोल फ्री नंबर 1955 ओके फॉर ऑल फॉर कॉल ड्रॉप्स। ओके द यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर लॉन्च टोल फ्री 1955 टॉकिंग फीडबैक टेकिंग फीडबैक ऑन द कॉल ड्रॉप्स एंड टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के लिए टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के लिए। ओके ओके सो इसका सर्ट कोड 1955 वॉज अलर्टेड IVRS सिस्टम्स में इसका अलर्ट किया गया। उसके बाद क्या इंडिया का किर्गिस्तान साइन किया है 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग किसके ऊपर फील्ड ऑफ टेररिज्म एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी फूड इंडस्ट्री के लिए। ओके दीज एग्रीमेंट्स वर साइन आफ्टर डेलीगेशन स्टॉक बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड विजिटिंग प्रेसिडेंट किर्गिस्तान अलमाज बेक। ओके सरसनोविक ओके अथवा अथम भाया अथम भाया इन न्यू दिल्ली। ओके तो दिस जॉइंटेड स्टेटमेंट ओके साइंड एग्रीमेंट मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म टूरिज्म के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ओके एंड फील्ड ऑफ यूथ डेवलपमेंट ओके एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ओके प्रोग्राम एंड एग्रीमेंट्स ऑन द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशन फील ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एक्सचेंज ओके ब्रॉडकास्टिंग एक्सचेंज एक्सचेंज ऑडियो विजुअल प्रोग्राम एंड बिसाइड्स बोथ कंट्रीज इनिशिएटेड टॉक्स टू कंक्लूड बिलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT ओके ऑर्डर टू आर्ग्यू अगमेंट इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग बिटवीन टू कंट्रीज इट विल प्रोटेक्ट द इन्वेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंटरवेंशन इंडिया कंसाइड्स किर्गिस्तान एज ए वैल्यूएबल पार्टनर। ओके कमन परसीड टेकिंग सेंट्रल एशिया रीजन ऑफ सस्टेनेबल फीस। ओके ओके हाईलाइट्स द ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट इशू बोथ कंट्रीज हैव साइंड ऑन द नीड ऑफ कोऑर्डिनेट एंड वर्क क्लोजली एड्रेसिंग ऑन द ओवरकमिंग दीज चैलेंज एंड द कमन बेनिफिट दे ऑल्सो क्या रिव्यूट करेंगे क्या रिव्यूट कोऑपरेशन एंगेजमेंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस के बारे में डिफेंस और एक्सपेंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे इंक्लूडिंग खंजर सीरीज में और मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके सो द एनुअल इवेंट में करेंगे। ओके तो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग वहाँ पर होगा। ओके सो इनक्रेज करेंगे इंगेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर में एंड टूरिज्म IT इंडस्ट्री IT एग्रीकल्चर माइनिंग ओके एनर्जी। ओके तो नेक्स्ट क्या है। ओके टू फोर्ड और ट्वेल्व सो यहाँ पर क्या द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग थिरुवल्लुवर स्टैचू। ओके ओके स्टैचू उत्तराखंड वॉज इनिशिएटेड फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी ओके MP फ्रॉम उत्तराखंड तरुण भाजी विजय। ओके स्टैचू बनाया है उत्तराखंड में ओके जो फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी का MP था फ्रॉम इनिशियल स्टैचू वॉज प्लान फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द बैंक्स अब गंगा रिवर के बैंक्स में हो रहा है एडहर की पूरी हरिद्वार में। ओके तो यही बात है तो आप देख लीजिए। ओके तिरुकुराल इज ए क्लासिक तमिल संगम लिटरेचर कंसिस्टिंग 1333 का कपलेट्स और कुराल ओके बुक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिफ्थ वेदा और बाइबल ऑफ द तमिल लैंड। ओके नेक्स्ट क्या है इज 133 फुट टॉल स्टैचू एट कन्याकुमारी तमिलनाडु एज साउथर्न थीप इन इंडियन पेनिनसुला देर इज ऑल्सो इज स्टैचू आउटसाइड द स्कूल ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टैचू स्टडीज इन रसल स्क्वायर लंडन।
United Kingdom. It tags history, persons in news, states, Tamil and Tiruvallur, Uttarakhand. Okay. Scientists, including those from India, have found a huge dead zone. It estimates 16,000 square kilometers in Bay of Bengal. Okay. Kilometer. Okay. This area said support microbial process that remove vast amount of nitrogen from the ocean. So the study, देखिए scientist ने क्या including उन्होंने क्या देखा found किया ना जो huge dead zone है वो 60,000 square kilometer जो Bengal में है जो the area is support क्या कर रहा है ना microbial process के support कर रहा है वो that remove vast amount remove करते हैं vast amount of nitrogen के form ocean से nitrogen को support vast amount remove करते हैं. The study published in Nature Geoscience okay published होता Nature Geoscience में. What is dead zone is an area in water body का में एक area है that contains the content करते हैं little or no oxygen or no oxygen and they hypoxic okay जहाँ पर नो ऑक्सीजन नहीं होता है इन बॉटम और नियर बॉटम वाटर में मोस्टली दे अगर नेचुरल लिबर्टीड कैन बी कॉज्ड बाई एक्सेसिव न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन वहाँ पर है फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं दे आर ऑल ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ओके वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में देखते हैं हम ऑफ कोस्ट एंड नामीबिया ऑफ कोस्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इन अरेबियन सी में हम देखते हैं इन रियल टाइम वार्मिंग इन द एटमोसफियर थ्रू क्लाइमेट चेंज में हम देखते हैं कि वार्मिंग हो जाता है टू लीड एक्सटेंशन ऑफ डेड जोन्स तो डेड जोन बढ़ जाता है इन द ओशन में एंड की फाइंडिंग रिसर्चर्स क्या फाइंड किया है इंक्लूडिंग दीज फ्रॉम CSIR इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में हम इन गोवा में देखा क्या डेमोन्स्ट्रेट किया द ऑक्सीजन जो है डज एक्सिस्ट इन बंगाल में वाटर बंगाल का जो वाटर है उसका अंदर ऑक्सीजन कंसिस्ट कर रहा है एक्सिस्ट कर रहा है बट देयर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मच लेस बहुत कमी है स्टैंडर्ड टेक्निक्स कुड डिटेक्ट एंड सम 10,000 टाइम्स लेस देन द फाउंड द एयर सैचुरेटेड सर्विस सो 10,000 टाइम का लेस है देन द वाटर सर्फेस में रिसर्चर ऑल्सो डिस्कवर द बे ऑफ बंगाल होस्ट माइक्रोबायल कम्युनिटी जो माइक्रोबायल है उसको भी उन्होंने देखा can on the that can remove nitrogen but really slow rates okay removing more nitrogen from the oceans could affect marine nitrogen balance ke liye bahut effect feel sakta hai the prime minister narendra modi laid foundation stone of the country's first indian institute of skill in kanpur uttar pradesh to make india in the skill capital of the world okay. So is kanpur mein prime minister ne ek foundation banaya kya na इंडियन इंस्टीट्यूट को स्किल बनाया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कानपुर में उसमें क्या इनोवेटेड कौशल प्रदर्शनी कौशल प्रदर्शन स्किल एक्सीबिशन कौशल प्रदर्शनी यूथ उत्तर प्रदेश इन यूथ पोर्टरी मेजर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री अबाउट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल इंडियन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पार्टनरशिप the Institute of Technology Technical Education Singapore then his visit to Singapore Institute of Technical Education में उन्होंने गया विजिट किया था इट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर इंडिया यूथ उन्होंने एम्पावर करेंगे यूथ को मोर एम्प्लॉयबल एंड सेल्फ सस्टेनेबल के लिए द यूनियन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मस्ट इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री ओके कौशल प्रदर्शनी स्किल एक्सिबिशन इन द यूथ उत्तर प्रदेश के लिए ओके आर्ट वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ओके अगर डिफरेंट सेक्टर के लिए इसके बाद क्या है इसके बाद क्या है जो डिस्कवर्ड किया गया 163 न्यू स्पीसीज इकोलॉजिकली डाइवर्स ग्रेटर मेकॉन्ग रीजन इन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इट इंक्लूड द 3 मैमल स्पीसीज एंड 1 एम्फीबियस 11 स्पीसीज एंड 14 रेप्टाइल्स एंड 143 प्लांट्स दीज स्पीसीज जो 3 वहाँ पर क्या दिखा ना 163 जो स्पीसीज उन्होंने डिस्कवर किया ओके साउथ एशिया में डाइवर्स ओके डिस्कवर
3 mammal species को, 1 amphibians, 11 fish को, 14 reptiles and 143 plants को. These species were discovered in Colombia, Laos, Vietnam, Myanmar and Thailand. It was revealed by World Wildlife Fund. Okay. रिपोर्ट ओके की फैक्ट्स क्या है इसका की फैक्ट्स क्या है न्यू स्पीसीज इंक्लूड लिजर्ड एंड डेजर एंड डायगन लाइक हम्स डिस्कवर्ड बाय द थाई टूरिस्ट एजेंट इन बुकेट ओके frog species okay leptolax okay hyses which can be feet and fingertip with which discovered in Cambodia okay and Vietnam okay it includes the eye catching film brace lao a snake with rainbow okay scale colored around the head it has been found in many livestock cast region of on northern Laos mein a new species Toilotrion angulosis with dazzling red and black markings okay was also discovered about greater Mekong region the greater Mekong river region is also most diverse region okay by the way and biodiversity hotspots have the planet in it is the migrant of the world's conservation because the increased diversity over diversity ho raha hai and kya to yahan par kya dekhiye greater Mekong region is the one of the important diverse region of biodiversity hotspots hai Mekong region okay biodiversity hotspots hai okay Again, so Mekong region, okay. So it is the magnet of the world's conservation because incredible diversity species. It includes southwestern China. We have seen Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar. Mekong River helps to diverse regions sustain to the region diverse geographic landscape. Have over plateau hai, limestone hai, karst hai, deltas hai, fertile floodplains hai, gas hai. It is habitats and the estimated 20,000 of plant species hai, and 1,300 fish species hai, 1,200 bird species hai, and 800 reptile and amphibian species hai, 430 mammal species hai. However, it is under intense pressure from them and road building के लिए as well as the thriving illegal wildlife trade and climate change global. The Madras High Court has banned all unauthorized Syria courts in Moscow across Tamil Nadu, saying centers of worship were only to be used religious purpose. Okay, the Madras High Court क्या banned किया ना unauthorized जो Syria courts को unauthorized जो Syria court को Moscow across Tamil Nadu में okay उन्होंने बैन कर दिया सेइंग सेंटर्स ऑफ वर्शिप ओके व्हिच इज द रिलीज यूज फॉर रिलीजियस पर्पस गॉड्स पर प्रोनाउंस्ड केम इनटू द रिस्पांस फॉर रिस्पांस टू पीआईएल फाइल्स एंड फाइल्स बाय अ नॉन रेसिडेंट इंडियन मेंशनिंग देयर सच सरिया कोर्स ऑपरेटिंग एज अ कोर्ट ऑफ लॉ फ्रॉम मस्को एंड डील्ड लार्जली विद मिलिट्री मोरियल डिस्प्यूट्स इवन गोइंग to the extent of passing divorce orders, motorcycle judgment, complete ban of all unauthorized Sharia courts functioning in premises of mosques, religious places and other places worships are meant only for religious purposes. Tamil Nadu state government to ensure that such unauthorized courts do not function. Background earlier in 2014, Supreme Court had refused to ban Sharia courts, saying that interpretation made by Islamic judges and are not legally binding. It even could pass verdicts only when individuals submit to them voluntarily. The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) has revised Northeast Industrial and Investment Promotion Policy (NEIIP). The revision of the policy stipulates
Dispersal and subsidies payable to all industrial units northeastern through the direct benefit transfer. Okay, mechanism by the chief controller of accounts. Okay, key facts here: industrial units which had commenced public production on December 1, 2014 and on the before March 31, 2017 which will be eligible for the initiatives as per the revised normal list subsidy. It will also include existing units which go in for sustainable expense and commercial production before March 2017. For this purpose, the industrial units need to get themselves registered payment providing requirement banks details. The subsidy for the existing new industrial units substantial expansion will be limited 3 crore industrial operating service and 5 crore industrial unit operating manufacturing sector. Okay, the subsidy of the at the rate 30% of the investment planned machinery will continue up to 1.5 crore unit. It will for grant capital investment subsidy and then receive 1.5 crore and up to maximum 5 crore approved empowered committee. According to the recent World Health Organization survey of 33 countries has shown that African nations developing high lifestyle diseases. It is mainly city life and modern trapping okay, which have brought habitats developing African nations such as smoking, okay, so harmful use of diseases, okay, alcohol, poor diet and low level physical activity for the diseases linked unhealthy lifestyles. For these diseases appear in countries which are on the path of becoming more industrialized and people live longer. Their disease commonly caused by alcohol, drug, smoking, okay, so unhealthy eating and etc. So strokes of obesity, okay, type 2 diabetes. Key highlights kya hai of the study developing African nations will see more die. Hum dekhte hain chronic lifestyle disease hote hain, such as heart disease hote hain, cancer hote hain, diabetes, okay, infectious, okay. 2030, it is rise non-commercial diseases changes in developing cities, okay. So it is estimated 46% of Africans suffer high blood pressure and highest worldwide. And due to legislation, poor policy, weekend daily tobacco use range from 5 to 25% in Africa. Isn't this growing? So in Africa and then in Europe, West people Africa are not eating through vegetables and fruit. The rise junk foods and unhealthy diets led to nutrition obesity. Average 35% people were overweight, and that have the average time spent moderately and high intensity physical activity is less. Women were more likely to be inactive and overweight. Again, government and of African countries should be raise domestic financing and mechanism to accommodate and the growing this growing burden. Besides this, there is a urgent need to recognize the reorientation whole health system in Africa. So thank you today's discussion is now stop and because it is completed now and I think it will be helped to you. So thank you.